हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज मैं आपको कोई वीडियो बताने से पहले दोस्तों बताना चाहता हूँ कि आपको जो है अपने अपने स्क्रीन पे मेरे टेलीग्राम चैनल का स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा और आप मुझे टेलीग्राम पे सॉल्यूशन अप के नाम पे भी सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है दोस्तों आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में पिन किया हुआ मिल जाएगा, तो ज्वाइन हो जाएगा। कई बार क्या होता है दोस्तों, टॉस के बाद अगर कोई मैच मेरा चेंज होता है तो उसकी अपडेट मैं अपने टेलीग्राम चैनल में देता हूँ दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों बहुत से छोटे छोटे टूर्नामेंट चल रहे हैं, जैसे ECS चल रहा है, विटालिटी चल रहा है, तो जिसकी मैं वीडियो नहीं बना पाता पर उसकी मैच प्रेडिक्शन मैं अपने टेलीग्राम में देता हूँ, तो ज्वाइन हो जाइएगा दोस्तों। तो दोस्तों और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ के जो मैचेस हैं उसमें मैं सेशंस भी दूंगा दोस्तों, वो भी आपको बिल्कुल फ्री में। तो अगर आपको वो भी चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाएगा, लिंक जो है आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में पिन किया मिल जाएगा। तो दोस्तों आज मैं आपके लाया हूँ वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका के बीच जो T20 सीरीज़ होने वाली है दोस्तों, उस T20 सीरीज़ के पहले मैच की मैच पड़ी है। पहला मुकाबला ये खेला जाएगा 26 जून की रात को दोस्तों 11:30 बजे भारतीय समय अनुसार, और मुकाबला जो है दोस्तों ये खेला जाएगा वेस्ट इंडीज़ के सेंट जॉर्ज स्टेडियम ग्रेनेडा में। तो मैच में जाने से पहले अगर मैं दोनों टीमों के प्लेयरों पर नज़र डालूँ और देखूँ किस टीम की बल्लेबाजी स्ट्रॉन्ग है, किस टीम की गेंदबाजी, सबसे पहले अगर मैं वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाजी पर नज़र डालूँ तो उनके पास दोस्तों निकोलस पूरन जैसे बल्लेबाज दोस्तों, और आपका आंद्रे फ्लेचर, क्रिस गेल, शिमरन हेटमायर जैसे बल्लेबाज है दोस्तों, जेसन होल्डर जैसे बल्लेबाज है, लैंडन सिमन जैसे बल्लेबाज है दोस्तों, कैरन पोलार्ड जैसे बल्लेबाज हैं। तो अगर मैं पल्ला भारी की बात करूं दोस्तों तो पल्ला तो बिना किसी शक के जो है दोस्तों वेस्ट इंडीज़ का पल्ला भारी है बल्लेबाजी में। अब आइए दोस्तों साउथ अफ्रीका की पहले बल्लेबाजी पर ना डालूं तो साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी जो है दोस्तों वो है टेम्बा बबूमा, क्लिंटन डी कॉक जैसे प्लेयर दोस्तों, और आपके दोस्तों हेनरी क्लासन जैसे बल्लेबाज, जन्म ममलान जैसे, डेविड मिलर जैसे बल्लेबाज दोस्तों। तो अगर मैं पल्ला भारी की बात करूं दोस्तों तो पल्ला तो अगेन बल्लेबाजी में जो है वेस्ट इंडीज़ का पल्ला भारी है। अब आइए दोनों टीमों की गेंदबाजी पर डालते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं वेस्ट इंडीज़ की गेंदबाजी में डालूं दोस्तों तो उनके पास जो गेंदबाज हैं वो हैं ओविड मकॉय, ओशेन थॉमस, हेडन वॉश जूनियर, शेल्डन कॉटरल, फिदल एडवर्ड्स जैसे गेंदबाज दोस्तों, अकीला हुसैन जैसे गेंदबाज, जेसन होल्डर जैसे गेंदबाज दोस्तों। वहीं अगर मैं साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी में डालूं दोस्तों तो उनके पास कंगिसो रबाडा जैसे गेंदबाज दोस्तों, और जो दूसरे गेंदबाज हैं वह है आपका रीज़ा हेंड्रिक्स जैसे गेंदबाज दोस्तों, एरन नॉर्के, लुंगी नगीडी जैसे गेंदबाज, ड्वेन पेट्रियोस जैसे गेंदबाज, तबरेज शमसी जैसे गेंदबाज दोस्तों। तो अगर मैं पल्ला भारी की बात करूँ तो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में मेरा पर्सनली मानना है कि पल्ला तो वेस्ट इंडीज़ का ही पल्ला भारी है। और आपको जो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्रेडिक्शन ऐप का लिंक मिलेगा, तो फटाफट जाकर उस ऐप के लिंक पर क्लिक करें, डाउनलोड करें और दोस्तों प्रेडिक्ट करें अपनी नॉलेज के हिसाब से कि दोनों में से कौन सी टीम मुकाबला जीत सकती है। और साथ ही साथ दोस्तों आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, आप मुझे टेलीग्राम पर सॉल्यूशन के नाम पर भी सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं। और मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है दोस्तों आपको इस वीडियो के दोस्तों फर्स्ट कमेंट में पिन किया मिल जाएगा, तो ज्वाइन हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि कई बार क्या होता है टॉस के बाद अगर कोई मैच मेरा चेंज होता है तो उसकी अपडेट मैं अपने टेलीग्राम में देता हूँ। और साथ ही साथ दोस्तों बहुत से लीग चल रहे हैं, जैसे ECS चल रहा है, विटालिटी चल रहा है, तो जिसकी मैं वीडियो नहीं बना पाता पर उसकी अपडेट मैं अपने टेलीग्राम में देता हूँ दोस्तों। और आपको जो है वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका के मैच में फ्री में सेशंस भी दिए जाएंगे, तो ज्वाइन हो जाएगा। जिसको सेशंस चाहिए दोस्तों तो टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएगा, लिंक जो है तो आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में पिन किया मिल जाएगा। तो दोस्तों मेरे हिसाब से जो मैच विनर होगी वो होगी वेस्ट इंडीज़। जी हाँ दोस्तों, वेस्ट इंडीज़ ही मुकाबला जीतेगी मेरे हिसाब से। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके गाइस, टिल द नेक्स्ट वीडियो, एंजॉय लाइफ।